इस रसम का मतलब क्या है? पुत्र, जिंदगी में सब कुछ एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी कम होता है, फिर कल ज्यादा, परसों फिर कम। इसलिए पति पत्नी अपने हाथ से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, ताकि कल को अगर कम भी पड़े ना तो मिल बांट के खा ले। इससे दोनों में प्यार बढ़ता है और घर में बरकत होती। ओ, तो मतलब शिवाय भैया अनिका दीदी को खाना खिलाएंगे और अनिका दीदी शिवाय भी को खाना खिलाएंगे एक ही प्लेट में? पहले अनिका बिल्लू को खिलाएगी, फिर बिल्लू अनिका को खिलाएगा। नमस्ते। नमस्ते मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर। What a pleasant surprise. आइए ना आप लोग। ये हमारी तरफ से कुछ तोहफे। Thank you so much. Please. Congratulations, शिवाय। I'm so sorry, शिवाय, कि हम शादी में नहीं आ पाए। Thank you. My God. अगर टिया की जगह इन्होंने अनिका को यहाँ पर देख लिया, पूरी सोसाइटी और पूरी मीडिया में ये बात आग की तरफ फैल जाएगी। क्योंकि ये रस्म हम इनके सामने नहीं कर सकते। मैं भी यही सोच रही हूँ जेठानी जी। अरे वाह, शादी के बाद वाली रस्में चल रही हैं। फिर तो हम बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। शादी में ना सही, शादी के बाद वाली रस्में ही देख लेंगे। मिस्टर शिवाय, आप हमें मिसेस शिवाय से मिलाएंगे नहीं? अनिका, मेरा मतलब है कि अनिका मेरी वेडिंग प्लानर है, मेरी वाइफ। तो मैं यहां हूं। सो नाइस ऑफ यू, आप स्पेशली हमें विश करने आए। इट रियली मींस अ लॉट। जैसे तुमसे बात हुई हम बस अरे मिसेस ठाकुर, आपका बेटा कहाँ है? उसे साथ नहीं लेकर आए? हम बस ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे जब तुमसे बात पे याद आया कि हम बहुत दिनों से मिले नहीं है, तो आई थिंक वी शुड कैच अप फॉर डिनर समटाइम। ये टिया इनको बोलने ही नहीं दे रही है, ये जरूर कुछ छुपा रही है। शिवाय, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पर्सनली आके हमें विश करें। आई न्यू अनिका, ग्रैंडमा इस राउंड इंडियन ब्रेड वाले रिचुअल में भी तुम्हें ही आगे करेगी। इसीलिए मैंने मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर को बुला लिया, ताकि शिवाय देवी के साथ ये रिचुअल मैं करूं। अब ग्रैंडमा, रिचुअल शुरू करें। मैं कहाँ बैठूं? यहाँ बैठ जा। एक मिनट टिया, तुम ऐसे कैसे बैठ सकती हो? एक्सक्यूज मी, पिंकी जी, ना गले में मंगलसूत्र, ना मांग में सिंदूर, ये कैसी नई बहू है? वो मिसेस ठाकुर, आजकल की बहुएं तो इतनी मॉडर्न है ना, इसको ना मंगलसूत्र का डिजाइन पसंद नहीं आया, तो मैंने चेंज कराने के लिए भेज दिया है ना। या मांग में सिंदूर भी नहीं लगा, इसका मतलब सिंदूर का कलर भी पसंद नहीं आया होगा। यही प्रॉब्लम है आजकल की लड़कियों की, मंगलसूत्र को फैशन एक्सेसरी समझती है। यू आर राइट मिसेस ठाकुर, हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी, लेकिन आजकल these things really don't matter. ऐसी बात नहीं है मिसेस ओब्रा, अब इस वेडिंग प्लानर को ही देख लीजिए। इसे देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि इसकी अभी अभी शादी हुई है। लड़की सुहाग की निशानियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए पहनती है। सोचो कितना प्यार करती होगी अपने हस्बैंड से। देखो मंगलसूत्र इसके गले में सजा हुआ है। वैसे क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड? मिसेस ठाकुर, पिंकी जी प्लीज, बताया नहीं तुमने क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड? जी बिजनेसमैन है। ल
लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आई एम श्योर लव मैरिज ही होगी। वैसे बहुत लकी है तुम्हारे हस्बैंड जिन्हें इतनी संस्कारी वाइफ मिली है। अब मिसेस ठाकुर, आई थिंक अभी हमें रिचुअल शुरू करना चाहिए, नहीं? हाँ, परफेक्ट। आ जा तू, बैठ। टिया, ये सुहागन की रस्म है, कम से कम सिंदूर तो लगा लो। क्यों शिवाय, तुम्हें नहीं लगता टिया को सिंदूर लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, नई नवेली दुल्हन को तो सिंदूर लगाना ही चाहिए। टिया को सिंदूर मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं खुद ही ले आई। लो शिवाय, टिया की मांग सिंदूर से भर दो। कहाँ जा रहे? रुद्र, नो। रुद्र, आई सेड नो। छोड़ो मुझे रुद्र। ओ, छोड़ो मुझे। यूनिवर्स नहीं चाहता कि शिवाय भैया टिया को सिंदूर लगाएं। जहां सिंदूर होना चाहिए था अपने आप पहुंच गया, पता नहीं कैसे। अनिका, बेटा टिया को उसके कमरे में ले जा।